आदिवासी महिलाएं, मुस्लिम, नॉर्थ ईस्ट से आने वाले हमारे साथी, तो ये सब मिला के एक अपॉर्चुनिटी का कॉल हमने दिया हुआ है और इसी अपॉर्चुनिटी के आधार पर हम उस जातिवादी फोर्सेस आरएसएस, वीएचपी, एबीवीपी को इस अपॉर्चुनिटी के आधार पर डिफीट करेंगे और उसी के साथ साथ जो एक वामपंथियों का अपॉर्चुनिज्म है जो आज इस कैंपस में आईएसआई और एसएफआई के रूप में हमारे सामने नजर आ रहा है, इस कैंपस में इस इलेक्शन में ऑपरेस यूनिटी जो है, जो ऑपरेस स्टूडेंट का यूनिटी जो है इस कैंपस में, इस इलेक्शन में बापसा इस ऑपरेस नेशनलिटीज और ऑपरेस कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करेगा और अगर बहुमत से अगर जीतता है तो हमको लगता है कि इस देश भर के स्टूडेंट के लिए एक एग्जाम्पल होगा। और फिर से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर इस देश में लेफ्ट और राइट विंग्स के अगर कोई चैलेंज करता है, कर पाएगा, तो वो बिरसा अम्बेडकर पुलिस स्टूडेंट एसोसिएशन कर पाएगा। At one side you have Brahminical and the Sangh Parivar elements which has appropriated and also which has rooted the entire physical and mental talent and physical and mental force of the oppressed sections in this country and especially in JNU. And also other side we have this unethical alliance of the so-called left unity where they have completely ignored and completely rejected the politics of social justice. देवी, झलकारी बाई, सोनी सूरी, फातिमा बीवी, ऐसी आदर्श महिलाएं। अगर आप कैंपस में किसी भी तरह की भेदभाव को झेल रहे हैं, अगर आप कैंपस में किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन को झेलते हैं, आपको लगता है कि आपकी आवाज़ पहुंचाई नहीं जा रही है, आपके लिए बोला तो जाता है लेकिन आपकी आवाज़ को पूरा नहीं किया जाता, तो मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप अपने वोट को अपने लिए इस्तेमाल करें। आप किसी को वोट करें, इससे अच्छा है कि वोट भी आपका हो और राज भी आपका हो। Magilchi.